हेलो गाइस, राम राम, खम्मा गणी, जय हिंद भारतवासियों को। तो आज मैं अपने एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना एक न्यू रेस्टोरेंट खोला है डॉलर पाइप पिज्ज़ा नाम से। तो फ्रेंड से भी आपको मिलाएंगे, अभी नाम मैं नहीं बताऊँगा, सामने जाके बताएंगे वो है कौन, क्यों, क्योंकि वो बहुत मस्त आदमी है। आप उनसे मिलोगे ना, आप सोच नहीं सकते कि यार ये बंदा इतना अच्छा है, हर चीज़। मतलब मैं ये चाहता हूँ भाई उनका रेस्टोरेंट भी बढ़े आगे और आप लोग जाए उनके रेस्टोरेंट पे। तो अब मिलते हैं उनके रेस्टोरेंट चल के, और हमने हमारी गाड़ी रेडी कर दी है और अब हम रवाना हो गए उनके रेस्टोरेंट के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं डॉलर पाइप पिज्ज़ा अपने भाई के रेस्टोरेंट पे, और हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। कितनी अच्छी लग रही है यार, खड़े भी बैक सीट में ये भैया बाहर खड़े हैं, गेट खोल रहे हैं। अब हम अंदर चलते हैं, आ चुके अंदर। ये देखे क्या ही डिज़ाइन किया है, मतलब यार रेस्टोरेंट जैसा होना चाहिए ना, मतलब फुली, जैसे बच्चे अगर आए तो देखे कार्टून्स बने हुए हैं पिज़्ज़ा खाते हुए, तो उनको भी लगता है कि नहीं यार चीज़ अच्छी है। आप देखे क्या क्या है, मतलब शानदार, कस्टमर्स भी बैठे हैं फुली और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो अब हम आपको मिलाते हैं अपने भाई से, नवरत्न जी। भाई क्या हाल है आपके? भाई बहुत मज़ा आया आपका रेस्टोरेंट देखा, अच्छा लगा बहुत ही। तो मैंने कहा यार और बताए कैसे चल रहा है रेस्टोरेंट फिर? देखो भगवान का आशीर्वाद होगा ना, तो सब अच्छा चल रहा है। तो अब हम बताते हैं रेस्टोरेंट का पूरा पूरा व्यू आपको, तो क्या क्या आइटम बयाने रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हर तरह की मेयोनीज क्रीम वगैरह आप स्पाइसी के लिए रखना चाहते हैं। ये अगर कॉर्नस सैलेड है, ये आलू सैलेड है, मतलब पूरे पूरे सैलेड्स वगैरह का अलग से है। मंचूरियन है, पास्ता है आपके पास में, हर तरह के पास्ता है। ये नूडल्स है, ये हो गया पास्ता सैलेड का हो गया, ये नूडल सैलेड हो गया, ये फ्राइड राइस हो गया, ये मंचूरियन ग्रेवी हो गई। और भी देखिए आप प्लेट से अनलिमिटेड है पूरा, मतलब पूरा टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मतलब क्या क्या है वेराइटी यार, मुंह में पानी लग गया, बस मज़ा अलग है यार। ये फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, फ्रूट सैलेड भी है हमारे पास में यहाँ पे। और ये देखिए आप, ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब वो भी है। तो ये बताइए भैया, ये मतलब क्या क्या है, ये जितना इतना आइटम रखा हुआ है ना, कितने टाइप के? 16 टाइप्स के सैलेड्स भाई, गजब है यार। मतलब ये जैसे इसमें और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ है? 4 टाइप पिज़्ज़ा, 1 लार्ज ब्रेड, 2 गजब भाई, क्या क्या मतलब ऑफर और क्या प्राइस में ये पूरा लिमिटेड अपन करते तो? 49 लाख, मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस। मतलब यार इस टाइप ऑफर तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि भाई क्या क्या आइटम हम टेस्ट करते हैं, आपको बता दें कि भाई ये आइटम बहुत अच्छा है और खाके बताएगा आपको कि इसका टेस्ट भी कैसा है। और फिर कुछ कस्टमर्स के रिव्यू भी लेंगे, कस्टमर्स क्या बोलते हैं कि भाई क्या रेस्टोरेंट कैसा है, वही डिसाइड कर पाएंगे कि भाई नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये वाली बात है। बाकी मैं भी टेस्ट करूँगा, मैं तो बता दूंगा भाई, क्योंकि आपका फूडी है और भाई खाना पीना अपना शौक है, सब कुछ है। तो इसलिए अभी टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको यहाँ का रिव्यू। हम लोग बैठ चुके टेबल पे, तो आप देखिए सबसे पहले इनका मेन्यू, मेन्यू में क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ों के लिए ये अलग एक है पूरा स्लैब बनाया हुआ है इन्होंने, और छोटे बच्चों के लिए अलग स्लैब बनाया हुआ है। तो बड़ों के लिए ना लंच के अंदर 239 है प्राइस है, और डिनर के अंदर 279 प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें प्लस 5% GST भी है, इसमें आप देखिए 5% GST भी ऐड कर देंगे ना, तो नॉर्मली अब आप मान लो 250 के आसपास प्राइस समथिंग ही बनता है, वो रिजनेबल प्राइस है। इतना आइटम आप खाओगे अगर आपको बहुत ईजी है, और बच्चों का आप लेते हैं तो 149 है प्राइस है, तो मतलब 200 रुपये के अंदर तो बच्चों का तो बहुत अच्छा है। मतलब बच्चा आपको पता है चीज़ ख़राब करते हैं लेकिन कम खाते हैं बच्चे, तो उस हिसाब से इन्होंने एक अलग स्लैब बच्चों के लिए बनाया है। तो हम देखते हैं कि और अलग अलग आइटम्स क्या क्या मिलते हैं। तो भैया आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या क्या आइटम आप
और दोनों जगह सूप में से दोनों सूप एक तो उसमें हम टेस्ट करके बताएंगे भाई क्या क्या है। तो भैया सूप लेके आ चुके हैं भैया, सर आपको चाइनीज सूप टमाटो सूप और चाइनीज सूप भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यार कितना शानदार और थिकनेस देखिए आप, ये टमाटो सूप बहुत ही मज़ा आ रहा है। टेस्ट कर भी कैसा होगा आप देखते टेस्ट करके। टमाटो सूप वैसे भी अपना फेवरेट है और सबसे मेन चीज़ जो तो टोस्ट के टोस्ट में डालते हैं टोस्ट, ये इसमें तो मज़ा लग आया था। जो मेरे को टेस्ट किया था ना वही चीज़ है, मतलब मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट अगर मैं यहाँ टमाटो सूप देता हूँ यार उसका जैसा टेस्ट उससे बेटर टेस्ट लग रहा है। और टोस्ट मतलब जैसे कि उन्होंने लेके आए थे टोस्ट में जल जाते हैं तो उसके अंदर गले भी नहीं जलते, तो टेस्ट वैसे वैसे क्रंची टाइप आ रहा है, इस टाइप का सूप नहीं मिल रहा है। और अब कुछ और आइटम्स भी आते हैं देखते हैं। तो भैया एक फिर एक न्यू आइटम के साथ आया भैया, क्या लेके आया उसमें गार्लिक ब्रेड। भैया खाना लिए गार्लिक ब्रेड लेके, आप देखिए मतलब यार इतनी सॉफ्ट क्रंची चीज़ फुल भरी हुई और ऊपर से क्या कहते हैं इसको चिलीज भी है, मतलब मिर्ची कहते हैं हमारे राजस्थानी में। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट, देखने में तो अच्छी लग रही है। मैं टेस्ट ऐसा मतलब मुँह में डालती क्रंची सा आया और चीज़ पूरी फिल होते हुए मुँह में, ऐसे मैंने खाए थे वैसे बहुत सारे गार्लिक ब्रेड इस तरह का नहीं खाया क्योंकि चीज़ पूरी मेल्ट होते हुए आ रही है, ऐसा भी नहीं कि चीज़ ठंडी हो गई हार्ड हो गई, मतलब शानदार तरीके का टेस्ट हो रहा है। इससे आगे और हमने इनको बोला कि भाई आप एक ही पैन के अंदर सारे सॉसेज के मतलब पूरे सैंपल्स होते हैं ना कि अलग अलग पिज़्ज़ा आते हैं जैसे चीज़ बर्ग हो गया, तो सारे एक में ही करके आप लेकर आए। तो भैया हमारे लिए लेकर आए पिज़्ज़ा, तो ये हमें बताइए क्या क्या आपका मार्गरेटा पिज़्ज़ा आ गया है। और भैया इसके अंदर क्या क्या है पिज़्ज़ा बहुत सारा है, चीज़ ब्रश है एंड टू स्पेशल। अच्छा तो इसको भी साथ में रख लेते हैं। हेलो यार कितना मतलब देखने से एंटिक एंटिक फील करेंगे भाई, मतलब यार मेरा आपका मज़ा आ रहा है यार ऐसी चीज़ देखने में। और ये आज का टुडे स्पेशल है तो इसको तो टेस्ट करना बनता है यार, बहुत ही शानदार। तो इसको ही पहले अपन टेस्ट करते हैं, लेकर आप इसकी बेस देखिए आप साइड से क्रंची हल्की सी ना सॉफ्टनेस, चीज़ मतलब टिपक रही है नीचे, मतलब यार अलग ही है। देखते इसको सबसे मज़ ये है जो इन्होंने चीज़ रखी ना अंदर, ऐसे नहीं कि पूरी हार्डनेस है, नॉर्मली पूरी पिघल रही है ब्रेड अंदर से पूरी सॉफ्ट है, जैसे अभी अभी बनी है और हाथ पाथ हमें सर्व की गई है। दूसरा ये वाला टेस्ट करते हैं आप, ये कॉर्न वाला है चीज़ चीज़ बस पिज़्ज़ा चीज़ बस यार फुली चीज़ भरा हुआ है ये तो। टेस्ट करते पूरा फेस भी भर गया। और दूसरा ये है माइग्रेटा, माइग्रेटा को टेस्ट करते हैं। मैगेटा मैं खुद खाता हूँ पिज़्ज़ा में, लेकिन इनके यहाँ का टेस्ट करते हुए कैसा आया, डोमिनोज का सबका खाया मैंने लेकिन इनका टेस्ट करते हैं इनको फील करता नहीं करता। शानदार तरीके का टेस्ट है, बोल सकता हूँ मैं खुद क्या आप लोग का आए यहाँ का आकर टेस्ट करिए। मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है, अब रिव्यू दूंगा और मेरे यहाँ के जो कस्टमर्स उनके भी रिव्यू लूँगा कि वो बताएंगे भाई कैसा टेस्ट है। और अभी यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं और बाहर के कुछ अभी कस्टमर्स भी आए वो खाना खा रहे हैं और उनसे रिव्यू देके बताएगी आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है।
बाकी मुझे तो मज़ा आ गया। तो ये बताइए डिज़र्ट में क्या चीज़ है? हाँ सर, डिज़र्ट में है वनीला विद ब्राउनी। वनीला विद ब्राउनी, तो आप भैया लेकर आइए वनीला विद ब्राउनी, टेस्ट करते हैं हम लोग। हमारे लिए स्पेशल चीज़ आज की है वनीला विद ब्राउनी। तो आप देख सकते हैं ये चीज़, ये सबसे शानदार चीज़ है। आइसक्रीम के साथ तो खाने का मज़ा अलग ही है इसका। हम टेस्ट करते हैं इसको। यार एक मिनट पर टूट गई, मतलब ब्राउनी का आप खाओ ना हर जगह तो बहुत ही, मतलब कहते ना थिकनेस होती है बहुत, या सॉफ्ट। दो मिनट में टूट गई, मैं कहते रहता ना ये चीज़ सबसे अहम है। तो इसका जो मैंने ब्राउनी टेस्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, पता नहीं चला कब मेल्ट हुई। और आइसक्रीम का ठंडे में मज़ा आता है। तो ये कस्टमर है वो यहाँ से बहुत खुश होके जा रहे हैं। ये आए बंगाल, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। और ये आए जोधपुर घूमने। तो मतलब आपको जोधपुर कैसा लगा पहले ये बताइए। अच्छा अच्छा डॉलर बाय पिज्जा है मतलब। अच्छा मज़ा आ गया उनको भी, उन्होंने अपना रिव्यू लिखा है यार। तो आपसे मिलते हैं, हम मिलते हैं यहाँ से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।